नते सांग युगपत कृत। क्या हो रहा है महाराज जी? बोले धंधुकारी ने भागवत सुनी है ना, तो सब इसको मुक्ति मिल गई है, भगवान के धाम ले जाने इसको मोक्ष मिल गया है। पर क्यों जी, भागवत सुनने से जब मुक्ति मिलती है तो आप सबके लिए विमान क्यों नहीं लाए? यहां तो हजारों लोगों ने सुनी कथा। हाँ, पर देखिए जी, हमारा तो कोई दोष नहीं है। बोले भाई ये तो ठीक नहीं है ना, भागवत सुनने हजारों लोग और विमान लेके आए आप एक सीटर, बोलो जय श्री कृष्ण, इसमें तो एक ही जा सकता है, और वो भी धुंधकारी। क्यों? तो भगवान के पार्षदों ने बहुत सुंदर जवाब दिया और वो सुनने लायक है। बोले देखो जी, कथा में कोई दोष नहीं है। हाँ, कथा में तो कोई दोष है नहीं, कथा के बांटने में भी कोई दोष नहीं है, कथा के सुनने के दोष से फल में दोष हो गया। क्योंकि श्रवणस्य विभेदेन फल वेदोत्र संस्थित, श्रवणम तु कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया। कथा सुनी जरूर है सब लोगों ने, पर भागवत में ही लिखा है केवल सुनने से कुछ नहीं होता, बोलो जय श्री कृष्ण, ऐसा भागवत में लिखा। भागवत को केवल सुनना ही नहीं है, लिखा है तत्श्रृण्वन प्रपठन फिर विचारण परो भक्त्या विमुच्यन्नर। भागवत को सुनो फिर उसका प्रपठन करो। प्रपठन का मतलब होता है चिंतनात्मक रीति से पढ़ना, और फिर विचारण परो, उसका निधिध्यासन करो। आज की जो कथा ठाकुर जी से हमने सुनी, भागवत की अमृतमय कथा, उसका मेरे जीवन से कितना कनेक्शन है, ये चिंतन करो। और आज कथा में जो प्रसंग बताया था वो प्रसंग मेरे जीवन से संबंध रखता है, तो तदाचरण करने का हम प्रयास करें, ऐसा चलने की हम चेष्टा करें। और भक्ति अंतस्थ में जागृत होवे तो संसार से मुक्त हो जाए। सुनने का मतलब बिल्कुल जीवन में उतरे। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, सब लोग जानते हैं, कोई सत्संगी स्वर्णकार था सुनार, और उसने सुंदर मूर्ति बनाई दो, और मूर्तियों को बना करके नुमाइश मैदान में प्रदर्शनी रखी जाती है ना, दिल्ली में प्रदर्शनी मैदान है, सब लोगों ने अपनी अपनी स्टाल लगाई। इस बिचारे स्वर्णकार ने भी अपनी मूर्तियों की स्टाल लगाई और ऐसी सुंदर वशिष्ठ जी की दो मूर्ति बनाई, महात्मा वशिष्ठ की मूर्ति, लंबी दाढ़ी, सुंदर केश, एकदम दिव्य मुखारविंद, दोनों रख दी। लोग देखने आ रहे हैं, क्या दाम है? बोले दो मूर्ति हैं सर, इसमें एक मूर्ति 500 रुपए की, दूसरी मूर्ति 500,000 रुपए की। लोग बोले 500,000 की सोने की है क्या? बोले नहीं, दोनों पीतल की हैं। 500,000 की में वजन ज्यादा है क्या? बोले 50 ग्राम भी ज्यादा नहीं है। 500,000 की कोई नई टेक्नोलॉजी से बनाई है क्या? बोले बनाने वाला मैं हूं, मैंने ही बनाई है। दोनों में 50 ग्राम के वजन का अंतर नहीं है, एक ही सांचे से बनाई है, एक ही कारीगर यानी मैंने बनाई है, बिल्कुल वजन बराबर है। वशिष्ठ जी की दोनों मूर्ति हैं, पर इसमें एक मूर्ति 500,000 की है और एक मूर्ति 500 रुपए की है। ये आपको बताना है कि 500,000 की कौन सी और 500 रुपए की कौन सी। लोग बोले बड़ा अजीब मूर्ति बनाता भैया। बोले आप लोग बताइए, बनाने वाला भी वही है, कोई अंतर भी नहीं है, वजन भी बराबर है,
और सब लोग मूर्ति को उठा के ऐसे उल्टा सीधा करके देखें, कोई अंतर नहीं। एक महात्मा जी ने देखा ये स्वर्णकार तो सत्संग में बहुत आता है और सत्संग में जाने से जीवन बदल जाता है। महात्मा जी बोले, सुनो स्वर्णकार जी, मैं तुम्हारी मूर्ति की थोड़ी परीक्षण, हाँ महाराज ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। महात्मा जी ने सुतली हाथ में ली और सुतली को लेकर गीले हाथ से ऐसे बट दिया और बटकर सुतली को लंबा किया और जैसी एक मूर्ति के कान में सुतली इधर से डाली, इधर से पार निकल गई। महात्मा बोले 500 रुपए की है। और दूसरी मूर्ति के कान में सुतली को डाला तो कान पार था ही नहीं, इधर से सुतली ऐसे गई, ऐसे मुड़ गई और अंदर पूरी पेट में चली गई। बोले 500,000 रुपए की है। बराबर साहब, ये 5 की है। तो कथा को इधर से सुनकर के इधर निकाल देना, ये तो होते हैं सरोता सोता या बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ सरोता होते हैं, सुपारी काटते हैं। कई लोग तो कथा में बैठेंगे ना, कईयों की तो आदत होती है, अब तो कथा पता कुछ करते नहीं है, क्या कथा महाराज, अब तो छोड़ दो। फिर कथा में बैठेंगे तो बोलो देखो वो ऐसा बोलते थे, ये ऐसे बोल रहे हैं, उन्होंने ऐसे कहा था, ये ऐसे कर रहे हैं। फिर वो कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे, उन्होंने ऐसे बोला, ये ऐसे बोलते हैं। कई लोग तो हमारे यहाँ तो कथा हुई थी तो केले के खम्भे लगाए थे, इधर तो लगे ही नहीं। अजी हमारे यहाँ तो कथा हुई थी तो व्यास जी के सिर पे तोता लटकाया था, इधर तो लटकाया ही नहीं, ये कैसी कथा। फिर बोलेंगे नहीं कथा बता तो ठीक है, वो बिछाए थोड़ी बढ़िया नहीं थी। फिर बोलेंगे नहीं कथा तो जो है सो है, सब्जी में मिर्ची ज्यादा थी। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे मिर्ची ज्यादा थी तो हलवाई से बोल दो भाई, बात खत्म, थोड़ी कम कर देगा, उसको तो फायदा ही है। हैं? नहीं नहीं ये सब तो ठीक था लेकिन प्रसाद में टेस्ट नहीं था। वो 3-4 घंटे यही सोचते रहते हैं और उनका पड़ोसियों के संग मिनी सत्संग चलता है, वो सरोता होते हैं। और तीसरे जो होते हैं वो मेरे को सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, सोता। न कथा से मतलब, न तुम्हारी व्यास जी से मतलब, घर में बच्चे सोने नहीं देते। अपना कथा में आए आहा, और यदि सोफा मिल गया फिर तो कहना ही क्या, बढ़िया बढ़िया आ रही हो हवा, अपना बैठे और 4 घंटे की दिव्य समाधि, समाधि लग जाती है। और कथा पूरी होने पर सबसे पहले वही बोलेंगे, क्या बात है, क्या कथा करते हैं, क्या मधुर कंठ है, जबकि 4 घंटे पूरे सोए हैं। महाराज जी कथा बहुत सुनी पर ऐसी नहीं सुनी। हाँ भाई आप तो सुन ही रहे थे। तो श्रोता का मतलब होता है सुनना, फिर चिंतन करना और जीवन में उतारने का प्रयास करना, बहुत जरूरी है। तो देखो ये कथा तुम्हें, एक कथा ही जीवन को बदल देगी। द्वंद्वकारी को मोक्ष मिल गया, फिर सबने सुनी कथा। तो जो भागवत की कथा हम लोग सुनने वाले, अभी तो महात्म्य चल रहा है, भागवत की कथा यदि शुभ मुहूर्त में करें तो श्रेष्ठ है, बिना मुहूर्त के भी करें तो कोई दोष नहीं है। भागवत तो जिस दिन प्रारंभ कर दी जाए वही सुंदर मुहूर्त है। वशिष्ठ जी बोले थे ना, सुदिन सुमंगल जब ही तब राम होए युवराज। राम जिस दिन युवराज गद्दी पर बैठ जाएं वही सबसे सुंदर मुहूर्त है, और कोई मुहूर्त नहीं है। और हम लोग तो शुभ कामों में सोचते हैं थोड़ा और डिले हो जाए तो अच्छा है। हाँ कोई ना कोई बहाना। नहीं कथा तो महाराज जी करनी थी, वो अपना जो मोती कुत्ता था ना वो आजकल अस्वस्थ चल रहा है, तो सोचा अभी थोड़ा सा। हाँ
क्यों भाई, कथा का मुहूर्त निकल गया तो नहीं, बच्चे थोड़ा विदेश घूमने गए हैं, तो हमने सोचा थोड़ा आ जाए तो अगली साल देखेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। और कोई पाप का काम करना हो तो पड़ोसी को पता ही नहीं चलने देते, तुरंत कर देते हैं बिना मुहूर्त के। तो शुभ काम के लिए मुहूर्त ज्यादा क्यों? भागवत जिस दिन प्रारंभ हो जाए, आहा, फाल्गुन का महीना, ब्रजमंडल की भूमि, और मेरे गोविंद के भी परम आराध्य गिरिराज महाराज की पवित्र तरहती, ऐसे सुंदर मुहूर्त कोई जीवन में दूसरा हो सकता है? बोलो जय श्री कृष्ण। पांच ब्राह्मण बिठाएं, सात बिठाएं, 108 बिठाएं, 1008 बिठाएं, जिसकी जैसी श्रद्धा, लेकिन मूल संस्कृत का भागवत पारायण पाठ करें। भागवत पारायण का बड़ा महत्व होता है। ये संस्कृत में जो भूमि देव यहां पारायण करते हैं ना, और इनके मुख से जो उच्चारण होता है संस्कृत का, उससे पूरा वातावरण दिव्य बन जाता है। सवेरे सुनना आप लोग, उसका महत्व अपना अलग है। भागवत की गद्दी पर बैठने वाला जो व्यास है, वक्ता व्यास समास वित्त, वो श्रोताओं को देखते हुए कथा का वाचन करे। ये चेहरा जो होता है ना, पूरा कैमरा होता है, आदमी के चेहरे से पता चल जाती है कितने पानी में। श्रोताओं के मुख की आकृति बता देती है वो क्या सुनना चाहते हैं। इसलिए कथा लोगों के हृदय में उतर जाए ऐसा सोचकर कथा का वाचन करे, व्यासमंच की गरिमा के अनुसार वाचन करे, हल्का उद्धरण ज्यादा न दे, व्यावहारिक जगत की चर्चाएं करे पर उसमें बिल्कुल इतना घुल न जाए कि कथा प्रसंग छूटे ही जाए, ऐसा न करे। अपना अभ्यास भी यदि रोज करते हैं 5 घंटे भजन, तो कथा में आधा घंटे ही करे। अपने भजन को, अपने नित्य कर्म को संक्षिप्त कर दे, पर कथा जितनी विस्तार से कर सके प्रयास करे, ऐसा लिखा है। और कथा को सुने जितने भी उत्सव आए, आहा, सभी उत्सवों को धूमधाम से मनाएं। वामन अवतार, राम जन्म, कृष्ण जन्म, और यहां तो सबसे ज्यादा गोवर्धन की कथा में तो सबसे विशाल उत्सव होता है 56 भोग महोत्सव, वो हम लोग 1 मार्च को यहां मनाने वाले हैं। हमारे सब भक्तों में बड़ा उत्साह है, और 56 भोग महोत्सव के यजमान हैं राकेश मीना अग्रवाल दिल्ली से, तो बड़ा उत्साह लोगों में है। हमारे नंदोत्सव के यजमान है ओम प्रकाश जी बागला दिल्ली से, बड़े भक्त लोगों में प्रेम है, क्योंकि नित्य श्री नित्य मंगल उत्सवों को धूमधाम से मनाना ही चाहिए। और आज आज देख रहे थे भागवत जी को सिर पे लेके जब हम लोग आ रहे थे, कितना आनंद, कितना लोगों में उत्साह, ऐसे उत्साह, क्योंकि विवाहम यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत, विवाह से भी ज्यादा उत्साह भागवत कथा में होना चाहिए, ऐसा लिखा है। हो सके तो फलाहार लेके सुने, दुग्ध पान करके सुने, नहीं तो एक साम भोजन एक साम फलाहार लेके सुने, और ये नहीं हो सकता है तो दोनों साम भोजन ले लें क्या? बोले 5 बार लो ना, मना कौन करता है। फलाहार कथा में जरूरी नहीं है, ध्यान देना। लोग हमसे बोले महाराज 1008 पारायण हो रहे हैं तो ब्राह्मणों को दोपहर में तो फलाहार देंगे, शाम को मैंने काय को बेचारे पंडितों को तकलीफ देते हो। अरे सवेरे जब पाठ में बैठे तो उनको कुछ हल्का चाय वगैरह पिला दो, और बीच में एक बार दूध फल पेड़ा कुछ दे दो, और 12 बजे पाठ पूरा होते ही डट करके चकाचक भोजन होने दो, बोलो जय श्री कृष्ण, शाम को फिर प्रसाद ले ले। कथा में ज्यादा फलाहार का महत्व नहीं है। फलाहार तो इसलिए बताया कि भोजन के बाद आलस आ जाता है,
कई लोग भोजन करने के बाद सो सकते हैं, अब भोजन करके बैठे और नींद आ गई तो, और भोजन करने पर नहीं आती नींद तो पांच बार खाओ ना, कौन मना करता है। लेकिन हल्का भोजन करो, पवित्र भोजन करो। भागवत में लिखा है कि मन का निर्माण अन्न से होता है और वाणी का निर्माण पानी से होता है। जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी, और जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। आहा, इसलिए पवित्र अन्न, क्योंकि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार का बड़ा भारी महत्व होता है जीवन में। कथा प्रसंगों की उनकी व्याख्या कर रहे थे कि भक्ति देवी महाराज प्रसन्न हो गई, ज्ञान वैराग्य दोनों का बुढ़ापा मिट गया, भक्ति देवी के आनंद की सीमा नहीं रही। आपने बड़ी कृपा की, देखिए मेरे पुत्रों का बुढ़ापा मिट गया और मैं बड़ी प्रसन्न हूं महाराज, बहुत मुझे खुशी हो रही है। इतने में तो कीर्तन मंडली में प्रकट हो गई, जो लोग कथा सुन रहे थे ना और कथा सुन रहे थे पता है, और जो जो शेर उनके निकट में आता जाए तो शेर की विचारधारा बदल गई। और वर्णन आता है कि कीर्तन सुनते 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 शेर भी सिर हिला हिला कर के कीर्तन में आनंदित हो गया, और वह भी क्योंकि हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, समझ तो सबको होती है, और उसकी हिंसात्मक भावना बदल गई, ऐसा वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में। हाँ, देवराज इंद्र जो है वो तो मैं कह रहा था कि मीराबाई कीर्तन कर रही थी, अब किस पे गाना आता है वो भी गा रहे, नहीं आता है वो भी गा रहे, प्रेम से सब लोग आनंद में गा रहे। एक कोई गवैया जी आगे रेडियो सिंगर आकाशवाणी के कलाकार, अब रेडियो सिंगर लोगों का तो गला बला बड़ा ठीक रखते हैं, आधी लाइन गाएंगे फिर कुछ पिएंगे, फिर आधी लाइन गा दे फिर कुछ पिया, खरास परास निकल जाए। हाँ ऐसा करते हैं वो लोग। एक कोई गवैया आए थे बहुत बड़े, गजल फजल गाते थे, अब हम लोगों की गजल समझ में तो आती नहीं है, लोगों ने बुलाए तो सुनने पहुंच गए, अब क्या उर्दू अल्फाज बोलते थे। तो मैंने देखा वो एक गिलास रखा था ऐसे, उसको ढक रखा था उसने, अब वो आधी लाइन गाता होगा फिर उसको उठा के एक घुट पी ले फिर ढक दे। अरे हमने कहा क्या नाटक कर रहा है, बार बार झूठा मुंह करता है, बोलो जय श्री कृष्ण। तो कोई तो बोले कि ये महाराज जी वही है, उसको पीने से एकाग्रता बनती है। कोई बोले नहीं, कोई गर्म चीज है महाराज, हर बार पी लेते हैं जरा सी गर्म गला रहता है और पीते रहना चाहिए। हमने कहा हम लोग तो 5 घंटे बोलते हैं कुछ पीते ही नहीं, पीना मना भी है व्यास गद्दी पे, और जब कथा करने बैठते हैं तो 1.5 घंटे पहले खाना पीना बंद और करना पड़ता है, बोलो जय श्री कृष्ण। तो पी के बैठे तो बीच में उठना पड़ जाए क्या पता हुँ? और ये आधी लाइन बोलता फिर एक घुट पीता है। तो गवैया लोगों का क्या, उनको तो राग का बड़ा ध्यान रखते हैं, ये राग उधर निकल गया, राग उधर निकल गया। ऐसे कोई गवैया जी आ गए कीर्तन मंडली के बीच में खड़े, अब यहां सब लोग मस्ती में गा रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गवैया बोले गाना आता नहीं है, सब राग बिगाड़ दिया, कभी भैरवी में चले जाते हैं है? कभी भीम पलासी में चले जाते हैं, दोनों को मिला के खिचड़ी कर देते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। अब गवैया जी को अच्छा नहीं लगे, सब लोग गा रहे हैं, उछल कूद करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। गवैया जी ने इतना बड़ा डंडा कहीं से उठाया और डंडे पर एक बोर्ड लिख दिया, जैसे एयरपोर्ट पर किसी को लेने जाते हैं हम उसको देखे नहीं तो बोर्ड लेके जाते हैं, ऐसी बोर्ड उसने कर दिया। उस पर लिखा था कृपया राग से गाइए, कृपया राग से गाइए, कृपया राग से गाइए। अब सब लोग गा रहे हैं नाच रहे हैं, वो उस बोर्ड को बार बार दिखाता है कृपया राग से गाइए, कृपया राग से गाइए। मीराबाई की नजर पड़ गई बोर्ड पर, बोले गवैया जी कहां से आ गए। और मीरा ने उनके बोर्ड को ऐसे नीचे करके राग से पहले अनु लगा दिया, बोलो जय श्री कृष्ण। बोले राग से गाइए या मत गाइए, लेकिन अनुराग से जरूर गाइए, कीर्तन में राग नहीं अनुराग होना चाहिए, बोलो जय श्री कृष्ण। सपुरुषमपि विक्षपास हस्तम वदति यमः किल तस्य कर्णमूले
पर हर भगवत कथा सुमत्ता प्रभु रहमन्युनिनाम न वैष्णवानाम। यमराज भी अपने दूतों के कान में कहते हैं, बोले मैं केवल दुष्टों को दंड देने के लिए उनका मालिक यमराज हूं, वैष्णवों को भक्तों को संतों को तो मैं प्रणाम करता हूं, जिनके मुख से भूल कर भी नारायण कृष्ण राम का नाम निकल जाए मैं तो उनका सेवक बन जाता हूं, उनको दंड देने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। बोले कान में क्यों कहा? बदति यमः किल तस्य कर्णमूले। अरे यमराज अपने दूतों को बुला करके खुल के ही बोल देते, कान में क्यों कहा कि जो कीर्तन करते हैं उनको पकड़ के मत लाना, मैं उनका मालिक नहीं हूं। बोल कान में इसलिए कहा कि जहां यमराज रहते हैं वो चारों तरफ जेल में पापी लोग बंद रहते हैं, और उन पापियों ने यदि सुन लिया कि नारायण नाम का कीर्तन करने वालों की मुक्ति हो जाती है, और जेल में खड़े खड़े सबने कीर्तन करना शुरू कर दिया तो सब वैकुंठ चले जाएंगे, फिर मैं यमराज बन के काहे को बैठा हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। हैं? इसलिए ये होना ही चाहिए। और भागवत जी के महत्व में उसकी महिमा का वर्णन किया गया। आइए 2 मिनट हम वाणी को पावन बनाएं, फिर श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा का अभी शुभारंभ करेंगे। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद गोपाल।
Go in there.
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ये भागवत का पहला श्लोक है और ध्यान से सुनना, बिल्कुल पहला मंत्र है भागवत का। यतः परमात्मन सकाशाश अस्य विश्वस्य जन्मादिर भवति, जिससे सारी सृष्टि का जन्म पालन और लय होता है, उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। और कब क्या हो जाए ये हम नहीं जानते। और एक बात कह दूं, यदि पता चल जाए कि कब क्या होगा तो ये दुनिया चल भी नहीं सकती। दुनिया इसीलिए चल रही है कि हमें कल का पता नहीं है। यदि पता चल जाए कि कल ये होने वाला है तो दुनिया एक दिन भी नहीं चल सकती, पक्की बात है। हमें पता चल जाए कि 5 वर्ष बाद इतने बजकर इतने मिनट पर हम मरने वाले हैं तो कल से सब काम बंद कर देंगे, बोले मरना तो है। ये संसार चल भी इसलिए रहा है कि हमें एक मिनट बाद क्या होगा वो पता नहीं है। और ध्यान देना, पता नहीं होना ही ज्यादा अच्छा है। अभी मुझे सूचना मिली, हमारे राष्ट्र के महान संत आदरणीय श्रीमन नारायण जी भक्तमाली, जिनको हम लोग मामा जी के नाम से जानते, बहुत अच्छे महापुरुष, पूज्य मुरारी बापू की बहुत कथाएं उन्होंने कराई। एक बार हमारे द्वारा भी भागवत रखी बक्सर में, बिहार में। प्रतिवर्ष वो राम जानकी का विवाह महोत्सव मनाते, जानकी जी को अपनी बहन मानते, इसलिए सब लोग उनको मामा जी नाम से पुकारते। और उनके परम प्रिय शिष्य लक्ष्मण शरण जी, जो भागवत के भी बहुत अच्छे विद्वान राम कथा करते, कल दोनों गुरु शिष्य गाड़ी में कहीं जा रहे थे, भयंकर एक्सीडेंट हो गया और दोनों का देहावसान हो गया। मुझे इतना कष्ट हुआ सुन के, हमारी कथा कराई थी उन्होंने बक्सर में राम जानकी विवाह महोत्सव में, कितने संत कितने महापुरुष उसमें पधारे। बड़ी कष्टप्रद बात है। वैसे तो वो जीवन मुक्त महापुरुष थे श्री श्रीमन नारायण जी मामा जी महाराज। एक बार मैंने बरसाने में कथा करी थी, आपको याद होगा 10-11 वर्ष हो गए, वृषभानु खिरक गौशाला के प्रांगण में एक बार पूज्य बापू की हुई, दूसरी बरस पर हमारी भागवत हुई।
उसमें पूज्य मामा जी पधारे थे और कथा से दूर एक वृक्ष के नीचे बैठकर 9 से 12, 3 से 6 पूरी कथा सुनते थे। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि वो तो जीवन महापुरुष, मुक्त महापुरुष थे, जीवित ही मुक्त थे। श्री किशोरी जी ने जिनको अपना भाई माना, उनको हमेशा के लिए अपने साकेत धाम में, अपने चरणों में बुला लिया। अब ये तो शरीर है, जाने के अनेक बहाने बन जाते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि कल क्या हो कोई जानता है? एक पल के बाद में क्या हो किसी को मालूम है? किसी को नहीं मालूम, और इसीलिए दुनिया चल रही है। लेकिन उसको सब मालूम है, उसको सब कुछ मालूम है। उसकी कृपा से सबका निर्माण हुआ, उसकी कृपा से सबका पालन, और उसकी वजह से सबका लय हो जाता है, क्योंकि वो स्वराट है। स्वयनैव राजते इति स्वराट, जो अपने रूप में प्रतिष्ठित रहता है वो स्वराट है। कि चाह गई चिंता नशी मनुआवे परवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शाहंशाह। जिसके मन में कोई चाह नहीं है, या तो वो शाहंशाह होता है, या चाह को पैदा करता है और होने पर भी जिसकी चाह नहीं रहती, या वो शाहंशाह है। इसलिए उसका नाम स्वराट है। स्वयनैव राजते इति स्वराट, वो हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा नहीं है, प्रत्युत ब्रह्मा को भी जिसने वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया। कैसा वेदार्थ ज्ञान? बोले यत सूरह अपि मुह्यन्ति, जिसमें बड़े बड़े सूरी लोग भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी सूर्य रश्मियों में हमें जल की भ्रांति हो जाती है, कभी कभी सूर्य की किरणें जब रोड पर पड़ती हैं तो हमें लगता है रोड पर पानी भरा है क्या, जबकि पानी होता नहीं। और कभी कभी जल में स्थल का भ्रम भी हो जाता है। ऐसे ही जागृत स्वप्न सुषुप्ता रूपा यह सृष्टि उस परमात्मा की अधिष्ठान सत्ता की वजह से सत्यवत प्रतीत होती है। माया और माया के कार्यों से जो सर्वथा परे है, उस परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं, उस परम सत्य का हम वंदन करते हैं। सत्य है परमात्मा का नाम। यहां रामकृष्ण की वंदना नहीं, यहां दुर्गा जी की वंदना नहीं हुई। भागवत के प्रथम श्लोक में केवल सत्य को प्रणाम किया गया, केवल सत्य का वंदन किया गया, क्योंकि सत्य ही तो नारायण है। और देखा जाए तो सत्य ही धर्म है। धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना। सत्य से बढ़कर के दूसरा धर्म नहीं है, क्योंकि सत्य ही नारायण है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही राम है। रामो विग्रहवान धर्म। इसलिए सत्य को प्रणाम करने का मतलब है वेदव्यास महाप्रभु ने सबको प्रणाम कर लिया। सत्य को वंदन करने का तात्पर्य है
उन्होंने सबकी वंदना कर ली, सबको नमन कर लिया, बोलो जय श्री कृष्ण। तो कहते हैं क्यों जी, सत्य यदि धर्म है तो परम धर्म क्या है? एक परम धर्म भी इतना होता है, फिर परम धर्म हम किसको कहेंगे? तो सूत जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की वेद व्यास जी ने कि धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परम निर्मत्सराणं सतां वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। कि श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किम्बा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिदक्षिणात्। देखो परम धर्म तो कृष्ण कथा है, कृष्ण कथा को ही परम धर्म कहते हैं। निष्कामी, निष्कपटी, निर्लोभी संतों के द्वारा जानने योग्य कृष्ण कथा परम धर्म है। क्यों जी कथा कैसी होती है? कथा बोले शिवदम, शिवम कल्याणम ददातीति शिवद, जो कल्याण देती है उसको शिवदम कहते हैं। और कैसी है कथा? बोले तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है कथा। एक बात आपसे बता दूं, आदमी कितना ही टेंशन में क्यों न हो, भागवत कथा में आकर बैठ जाए तो एक बार तो टेंशन रफू चक्कर हो ही जाता है, रह नहीं सकता। और ये कहने वाले पर भी यही बात लागू है, कहने वाले यदि तन्मयता से कहे तो टेंशन फेंशन नहीं रहता, सब खत्म। महामुनि वेदव्यास ने भागवत की रचना की है। नियम से हम लोग कथा का श्रवण करते हैं तो बड़भागी हैं, लेकिन कथा अभी सुनी नहीं। आप आकर के बैठे थे कथा श्रवण करने के लिए कमरे में, सुबह दोपहर का थोड़ा भोजन करके सो गए तो आ गई नींद। अब तो महाराज आपकी 1:45 बजे नींद खुली, अरे हमको तो 2 बजे कथा शुरू होनी। आप भागे तो जिस समय कथा सुनने का संकल्प आपके मन में, 7 दिन सुनते नियम से बड़भागी है, 7 दिन नियम से संकल्प सहित सुन रहे हम बड़भागी हैं, लेकिन कथा अभी सुनी नहीं, केवल सुनने का मन में संकल्प जगा। और जिस समय सुनने का संकल्प मन में जगता है उसी समय गोविंद हृदय में प्रकट हो जाते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि सद्यो हृदय वरुध्यते कृति भी, कृत भी ही हरि सद्य हृदय अवरुध्यते, किसके हृदय में? बोले शुश्रूष भी, अभी सुना नहीं है, केवल सुनने की इच्छा जिसके मन में जग जाए उसके हृदय में गोविंद प्रकट हो जाते हैं। क्यों जी? तो प्रेम से सुनेंगे तो प्रकट नहीं होंगे क्या? सुनने की इच्छा जगते ही प्रकट होते हैं, और 7 दिन नियम से सुनेंगे तो प्रकट नहीं होंगे क्या? जरूर होंगे। इसलिए भागवत की कथा का श्रवण करो, बड़ी निष्ठा से सुनो, बड़े प्रेम से सुनो। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। देखो भागवत कल्प वृक्ष का फल है, निगम रूपी कल्प वृक्ष कहते हैं वेद को, और निगम कल्प वृक्ष का पका हुआ अमृत में फल श्रीमद भागवत है। और ध्यान देना, इस फल में गुठली छिलका नहीं होता, गुठली है ही नहीं, छिलका है ही नहीं। तो क्या है? बोले रसम, केवल रस ही रस भरा है। कैसा रस है इसमें? बोले अमृत द्रव संयुतम द्रवो मोक्ष, इसमें मोक्ष रूपी अमृत रस भरा है।
बस पियो। कब तक पिए? दो दिन पहले तो अहमदाबाद में पी रहे थे, उसके पहले गया जी में पी रहे थे, फिर दिल्ली में पी रहे थे, फिर माधवगढ़ हरियाणा में पी रहे थे, उसके पहले श्रीरंगम में पी रहे थे, उसके पहले दिल्ली प्रेमनगर में पी। प्रेमनगर के बहुत लोग बैठे हैं आज, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कितनी बार पिए? बोले पीते ही चलो। पिबत भागवतम रसम आलयम, आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मुक्ति न हो जा पीते ही चलो। क्योंकि रामचरित जे सोनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। भगवान की कथा को सुनकर के जिसके मन में ये भाव जगने लगे, बहुत सुन लिया, आप क्या सुनना, समझो उसने कथा का महत्व समझा ही नहीं। परमात्मा की कथा को सुनकर के, और एक बात आपसे और मैं निवेदन कर दूं, भागवत की कथा को सुनने के लिए तो कहीं लिखा ही नहीं है। भागवत कथा सुननी चाहिए ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। जहां भी लिखा है पीने के लिए लिखा है। भागवत की कथा को पियो। पिबत भागवतम रसमालयम, इसको केवल पान करने की बात कही, क्योंकि सुनी हुई चीज तो इधर से सुनकर इधर निकल भी सकती है, पर जिसको पीते हैं ना जी, वो हृदय में जाकर असर करती है। अब हम चाय पियेंगे तो चाय का असर होगा, ठंडाई पियेंगे तो ठंडाई का असर होगा, होता है कि नहीं होता है? जहर पियेंगे तो जहर का असर होगा, अमृत पियेंगे तो अमृत का असर होगा, शराब पियेंगे तो उसका असर होगा। असर नहीं होता हो ऐसा कभी होता है क्या? अच्छा एक बात आपसे और कह दें, हम जहर को अनजान के पियेंगे तो असर नहीं करेगा? झाग निकल